Why do I get small bumps over here on my forehead in monsoon season? आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? Yes, तो ये वीडियो आप ही के लिए है. Let's begin the video. Hey beauties, welcome you all to my channel. I am Prerna and my channel's name is Super Beauty Desires. So friends, in this video today, I'm gonna share with you all how you can cure your acne-prone skin. Yes guys, as you all know कि जैसे ही मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है तो हमारे फेस पे थोड़े बहुत एक्नेस या फिर यू नो रेडनेस या बम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. तो हम उस चीज को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, आज मैं वही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ. मैं कौन सा स्किन केयर रूटीन यू नो फॉलो करती हूँ फॉर दिस मॉनसून सीजन to cure my acnes. But guys, if you are new to this channel, please consider subscribing my channel because इस channel पे मैं लाती हूँ beauty, makeup and skincare से related videos जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहते हैं. तो चलिए let's begin with this video now. सो गाइज, लेट मी टेल यू कि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और आपकी स्किन में थोड़ी बहुत रेडनेस बनी रहती है ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन या फिर समर सीजन में भी, तो आपको चाहिए कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो जिसमें सैलिसिलिक एसिड उनका मेन इंग्रेडिएंट हो या फिर टी ट्री ऑयल मेन इंग्रेडिएंट हो. तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना गाइज, ये डायरेक्टली हिट करते हैं आपके फेस के एक्नेस और पिंपल्स पे. तो आज मैं आपको वही रेंजेस बताने वाली हूँ कि मैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ. तो एक्चुअली मैं यूज करती हूँ ममा अर्थ की टी ट्री ranges. तो चलिए let me show you all the products. So guys, to reduce excessive oil from my face, I use this face wash. This is from the brand Mama Earth. As you can see, it is their tea tree face wash. आप देख सकते हो इस तरीके की बॉटल में आपको ये मिल जाएगा. और गाइज, ये जो है ना, इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं. जैसे कि इसमें टी ट्री है, मैंने आपको बताया. तो टी ट्री ऑयल क्या होता है, बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटी फंगल भी होता है. अगर आपके स्किन पे फंगल की वजह से बहुत ज्यादा एक्नेज और पिंपल्स हो रहे हैं तो इसको ये बिल्कुल काम आउट करता है और रिड्यूस भी करता है. देन इसी के साथ साथ इसमें नीम मिक्स किया गया है. तो नीम तो वैसे भी आपको पता है कि एंटीबैक्टीरियल माना जाता है. इससे फेस की कुछ भी इम्प्योरिटीज हैं, स्किन की कुछ भी इम्प्योरिटीज हैं, वो बहुत ही जल्दी से रिड्यूस होती हैं. सो दिस इज अ रीजन व्हाई आई यूज दिस फेस वॉश इन मॉनसून सीजन. इट इज वेरी वेरी गुड यू गाइज. इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है पैराबेंस फ्री है, SLS फ्री है एंड ऑल्सो इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. इट सूट्स ऑल द स्किन टाइप्स यू गाइज. अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली स्किन है, सारी ही स्किन को ये सूट करता है. एंड इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये एक्सेसिव ऑयल हटाने के साथ ही साथ स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता है. बहुत सारे फेस वॉशेज आपने ऐसे देखे होंगे कि अगर आप अपने एक्सेसिव ऑयल को रिड्यूस करने के लिए उनको यूज करते हो ना, तो वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं ड्राई बना देते हैं. बट इट डज नॉट डू दैट गाइस. तो इसलिए मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है, बिकॉज अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी तो और उसमें ब्रेकआउट्स आने चालू हो जाएंगे. तो ये एक्सेसिव ऑयल को हटाने के साथ ड्राई नहीं करता, जो आपका नेचुरल ऑयल है स्किन का उसको बैलेंस आउट करके चलता है. And also guys, Mama Earth is an Indian brand. That's why I support this brand, because I support hashtag vocal for local. Mama Earth is a plastic positive brand. They recycle more plastic than they use. It is also available on mamaearth.in, purple.com, Amazon पे आपको मिल जाएगा and Nykaa पे आपको मिल जाएगा. तो नीचे मैंने description box में सारे ही इसके links दिए हुए हैं, do check it out. और हाँ, अगर आप mamaearth.in से इसको buy करते हो तो मेरा ये वाला coupon code apply करोगे तो you will get 20% off. लेट मी टेल यू कि मैं जो है वीकली बेसिस पे क्या अप्लाई करती हूँ. सो आई अप्लाई दिस मामा अर्थ टी ट्री फेस मास्क. तो नाउ लेट मी शो यू इट्स पैकेजिंग. तो सबसे पहले कार्डबोर्ड की बॉक्स में आता है. देन इसमें जो है टब ऑफकोर्स आपको ये इस तरीके का मिल जाएगा, विच इज वेरी वेरी हैंडी यू गाइज. आप देख सकते हो यहाँ पर टी ट्री फेस मास्क और ईच एंड एवरी डिटेलिंग दी गई है कि इसके इंग्रीडियंट कौन कौन से हैं. तो इसमें भी टी ट्री ऑयल मिलाया गया है एंड साथ ही साथ इसमें सैलिसिलिक एसिड भी मिक्स किया गया है. सो मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में आपको बताया था कि सैलिसिलिक एसिड इज वेरी गुड फॉर यू गाइज इफ यू आर यू नो सफरिंग फ्रॉम एक्ने प्रोन स्किन. तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड अप्लाई करना बहुत अच्छा होता है. बट आप इसका ध्यान रखें कि ज्यादा यू नो अमाउंट में सैलिसिलिक एसिड आपके फेस को नहीं लगना चाहिए. दैट्स व्हाई आई प्रिफर टू यूज दिस ऑन अ वीकली बेसिस. मैं केवल एक दिन ही इसको अप्लाई करती हूँ, जिससे कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सूट आउट हो जाती है, काम आउट हो जाती है. सो गाइज, इट इज वेरी वेरी सूटेबल फॉर दिस मॉनसून सीजन, बिकॉज मॉनसून सीजन में जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी बहुत बम्स वगैरह हो जाते हैं. फॉरहेड पे आप नोटिस करते होंगे कि आपके छोटे छोटे से बम्स हो गए हैं, तो उसको काम आउट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक फेस मास्क है, बिकॉज इसमें टी ट्री ऑयल मिक्स किया गया है. टी ट्री ऑयल जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ में आता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है और सैलिसिलिक एसिड जो होता है एक्नेस और पिंपल्स को आने से रोकता है. तो इसी वजह से मुझे ये जो फेस मास्क है काफी ज्यादा पसंद है. इसमें जो है कैमोमाइल भी मिक्स किया गया है. तो कैमोमाइल भी हमारी स्किन को काम आउट और सूथ आउट करने में बहुत ज्यादा यू नो हेल्पफुल रहता है.
और इसी के साथ ही साथ हमारी स्किन को ब्राइटन अप भी बनाता है। जब आप इस फेस मास्क को लगाओगे और फिर 10 मिनट्स के बाद जब रिमूव करोगे ना, तो आपका फेस जो है एकदम यू नो एक ब्राइटन अप हो जाएगा। So now guys, let me tell you that Mama Earth has launched its app for the iOS users and also for the Android users, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, do check it out. And app users को मिलेगा early access to sales and extra discounts. So yes guys, यही था मेरा स्किन केयर रूटीन इन दिस मॉनसून सीजन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इट लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और मेरे चैनल के लिए अगर आप न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल ब्रिंग अप सो मेनी गुड वीडियोज लाइक दिस इन फ्यूचर। Till then, stay beautiful, stay stylish, bye bye, see ya, take care guys, love you all, bye.